राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णादासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में अपने प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए, मैंने बहुत ही सुंदर फेदर टच में ये वुलन ड्रेस तैयार किया है। बहुत प्यारा ये ड्रेस है ठाकुर जी के लिए, 5 और 6 नंबर में तैयार कर लिया है। अब हम इसको कैसे बनाए हैं, चलिए दिखाते हैं। 4 नंबर में बना के दिखाएँगे। ये बनाने में तो इसको बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा, इसका ये ऊन ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि देखिए कैसे ठाकुर जी के लिए, कैसे हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये सब सेवा भाव ही है कि सर्दियाँ आते ही कुछ ना कुछ ठाकुर जी के भक्त अपने ठाकुर जी के लिए करने लगते हैं, ताकि ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। उनके लिए गर्म बिस्तर बनाने लगते हैं, गर्म पोशाक बनाने लगते हैं। जिनको नहीं बनाने आता है वो लोग खरीद के ले आते हैं, लेकिन जिनको बनाने आता है वो ज़रूर सर्दियों में ठाकुर जी के लिए गर्म पोशाक 1-2 तो बनाते ही हैं। अगर देखिए, ये ऊपर की चोली के लिए ये तैयार हो गया है। ये फेदर वाला ऊन बहुत जल्द तैयार होता है, लेकिन इसमें सब समझाना बहुत कठिन होता है थोड़ा सा, इसलिए मैं जब दूसरा ड्रेस बनाऊंगी तो मैं उसको अच्छे से क्लियरली आपको समझा के दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपने प्यारे से लल्ला के लिए अपने हाथों से पोशाक बनाती हूँ। अब हम ये ड्रेस का ऊपर का पार्ट बना रहे हैं। देखिए, इस फेदर वाले ऊन से 1 दिन में 1 पोशाक बहुत आसानी से उतर जाता है, और ये इतना सुंदर ये पोशाक लग रहा है कि आप अभी खुद देखेंगे पहनने के बाद, ठाकुर जी का ये पोशाक लग ही नहीं रहा है कि घर पे तैयार हुआ है, और ठाकुर जी को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ्लफ़ी फ्लफ़ी बहुत सुंदर ये ड्रेस तैयार हो रहा है ठाकुर जी का, और बहुत जल्द इस ऊन से तैयार हो जा रहा है। ठाकुर जी के लिए चाहे पोशाक बनाइए, चाहे भोग बनाइए, चाहे ठाकुर जी के लिए आप कुछ भी करिए, श्रृंगार की चीज़ें बनाइए, जैसे फूल माला हुआ, जो कुछ भी हुआ। देखिए, ये ब्लाउज़ तैयार हो गया है, ये आगे का पार्ट है ब्लाउज़ के। हाँ, ये देखिए, ये आगे का पार्ट है। अब हम घेरा बना लेंगे। ये 4 नंबर की पोशाक बना रहे हैं, बहुत जल्दी से ऊन से तैयार हो जाता है। ये बाजू है, देखिए ये बाजू है। हाँ, अब हम फटाफट घेरा बना लेंगे। ये सब सेवा भाव है और हमें अपने ठाकुर जी के लिए करते रहना चाहिए। चाहे भोग बनाते हैं, पोशाक बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सब भाव सेवा में ही आता है और हमारे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। देखिए, पोशाक लगभग तैयार हो गई है और कितनी सुंदर लग रही है, जैसे लग रहा है कि मार्केट से ख़रीद के लिए आया हुआ है। ज़रूर बनाइएगा इस ऊन का पोशाक आप भी। इसका कलर भी बहुत सुंदर है, डार्क पिंक यानी रानी कलर में है ये। अब हम साइड से फिनिशिंग दे देंगे, एक पूरा चेन बना लेंगे ताकि सुंदर सा घेरा लगे, और इसके साथ एक कैप भी बना लेंगे। देखिए, बहुत सुंदर पूरा घेरा तैयार हो गया है। ये ऊपर की चोली है, लग रहा है ना बहुत सुंदर ड्रेस ठाकुर जी का। 3 ड्रेस देखिए, बहुत प्यारा बन के तैयार हुआ। ये कैप है ठाकुर जी का, अब हम ठाकुर जी को पहनाएंगे, देखते हैं ठाकुर जी को कैसा लगेगा ये ड्रेस। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वुलन ड्रेस कैसा लगा ठाकुर जी का। अभी कैप बना लेंगे। जैसे सर्दियों में हम अपने लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में कॉटन वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सेवा अपने ठाकुर जी के लिए करनी चाहिए। बहुत सरल भाव से और सरल विधि से सेवा मैं करती हूँ अपने ठाकुर जी का।
कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। अभी ये कैप भी रेडी हो जाएगी क्योंकि बहुत छोटा सा ही कैप बनाना है। क्रोशे की मदद से बहुत आसानी से और जल्दी तैयार हो जाता है। लग ही नहीं रहा है कि ये ड्रेस घर पे तैयार हुआ है। ये इतना सुंदर लग रहा है, देखिए कैप बन के तैयार हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। बस एक लास्ट का चेन बना देंगे जिससे अच्छे से राउंड शेप एक बन जाएगा। देखिए कैप तैयार हो गया है। अब हम अपने ठाकुर जी को इसको पहनाएंगे। पहले इसको धुल देंगे, धुल के सुखा देंगे, उसके बाद पहनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए मेरा ड्रेस तैयार हो गया है, अब हम पहनाएंगे और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। मेरे ठाकुर जी का बहुत प्यारा घर पे बिल्कुल सिंपल ड्रेस है, इसमें ना कोई डिज़ाइन है, कुछ भी नहीं है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारा ये ड्रेस बना है मेरे ठाकुर जी का। फैदर लुक में ये ड्रेस है और बहुत गर्म भी करेगा, देखने से भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी। अब इस पे हम थोड़ा सा श्रृंगार कर देंगे, मोती की माला ये पहना देंगे, ऐसे बाल लगा देंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। अगर आपको भी ये ड्रेस अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा ये ड्रेस बना है। मुझे तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जैसे लग रहा है ठाकुर जी को कितना गर्म कर रहा है और कितना आनंद आ रहा है ठाकुर जी को इस ड्रेस में। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वुलन ड्रेस ठाकुर जी का कैसा लगा। बहुत सिंपल और बिना किसी डिज़ाइन का ड्रेस है, मगर बहुत ही सुंदर ड्रेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।